यस हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन माइक्रोवेव के अंदर इससे प्रीवियस क्लास में पहले मैग्नेट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे थे। मैग्नेट्रॉन जिसका अपन ने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके अंदर जो प्रोसेस की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि मैग्नेट्रॉन एक हाई पावर माइक्रोवेव सोर्स जनरेटर है जिसके द्वारा एक कंटिन्यूसली हाई पावर की माइक्रोवेव सिग्नल्स को एम्पलीफाइड किया जाता है। ये कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर अपन कल एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल मल्टी केविटी मैग्नेट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे थे जो स्पेशली एनोड सरफेस के ऊपर एट ए फाइनाइट एंगुलर मल्टी केविटीज है वो अरेंज होती है और उस उन एनोड सरफेस के ऊपर कैथोड से इमिट इलेक्ट्रॉन की एसिलेटेड एनर्जी को रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड के ऊपर ट्रांसफर करके माइक्रोवेव सिग्नल्स को एम्पलीफाइड किया जाता है। तो अपने पास मतलब एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को इलेक्ट्रॉन बीम की बंचिंग प्रोसेस के द्वारा हाई माइक्रोफील्ड एनर्जी या हाई एनर्जी ट्रांसफर की जाती है उस माइक्रोवेव फील्ड के ऊपर। तो उसके लिए अपन ने बताया कि यहां पर एक क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाइड होता है, उसी का डिसल दिया। तो मैं हॉल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और हॉल कट ऑफ वोल्टेज, कितना वोल्टेज मतलब एनोड कैथोड के बीच में कितना डीसी वोल्टेज अप्लाइड करें और उस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करें कि उस क्रॉस फील्ड में मूविंग जो इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड है वो केविटी रीजन में अपने पैरेलली क्या हो, इंजेक्ट हो। तो अपन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होती है जहां पर वो पैरेलली क्या होता है, उसमें इंजेक्ट करता है, इंट्रैक्शन करता है केविटी से और उस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के द्वारा उसमें बंचिंग प्रोसेस के द्वारा एक हाई एनर्जी वहां पर रिटार्डेड पोटेंशियल के द्वारा क्या कर ली जाती है, गेन कर ली जाती है। तो ये मैग्नेट्रॉन का एक सिंपली ऑपरेशन प्रिंसिपल होता है। तो अपने सब मैथमेटिकली एनालिसिस कर रहे थे होल कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अपने इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एनोड कैथोड डिस्टेंस मतलब एट ए फाइनाइट डिस्टेंस पे एंगुलर वेलोसिटी का क्या निकाल रहे थे, डेरिवेशन कर रहे थे। तो स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन जब कैथोड सरफेस से इमिट होता है तो रेडियली इमिट होता है, रेडियली एसिलेटेड होता है टुवर्ड टू एनोड, बट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलेटेड बट नॉट एनर्जी चेंज बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ओनली पाथ इज सर्कुलेटेड कर्व टाइप में। एक क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कर्व टाइप में हो जाती है। एसिलेशन एनर्जी इज ओनली गेट बाय द एनोड वोल्टेज बट पाथ इज सर्कुलरली ड्यू टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी स्टार्ट में अपन इज द ओमेगा इज इक्वल टू जीरो बट फाइनाइट लास्ट में अपन चाहते हैं कि एनोड सरफेस एट आर बराबर बी शुड बी रेडियल वेलोसिटी जीरो ताकि वो वापस वहां से एनोड से स्टिक न करके एनोड पर वापस सर्कुलर पाथ में क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। और अपन इतना हाई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्टार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाई होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन विदाउट रीचिंग ऑन द एनोड कम बैक टू फॉल ऑन द कैथोड बाय दिस अदर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिट फ्रॉम द कैथोड अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेट द बंचिंग एंड गेट द एंड ट्रांसफर द एसिलेटेड एनर्जी ऑन द रिट्रेंड केविटी बाय द रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑन द माइक्रोवेव फील्ड। तो अपने पास इस टाइप का जो फेनोमेना है इसको मैथमेटिकल रूप से अपन डिराइव करने के लिए कल अपन ने एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे किस टाइप से गेस किया था कि अपन इस पर जो फोर्स है एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होता है और वो मैग्नेटिक फोर्स के अंडर ही क्या करता है, एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है, एंगुलर सर्कुलरली रोटेट होता है। तो अपने मैग्नेटिक फोर्स के कारण लगने वाला टॉर्क फाइंड करके इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेशन फाइंड आउट किया था। टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम बोलते सर्कुलर मोशन एम वी आर होता है। तो अपने उस फाइनाइट रिलेशन के द्वारा अपने एक एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैथोड सरफेस के बेसिस जो टर्म आर बराबर ए है उसके टर्म में अपने फाइंड आउट की थी
वो थी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी बाई टू वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वेयर इज द ए इज द रेडियस ऑफ कैथोड, कैथोड सरफेस। ओमेगा सी इज द क्यू बी अपॉन एम, मतलब साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अपन इस फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करें और ये एज्यूमिंग करते हुए एनर्जी कंजर्वेशन फेनोमेना यूज करते हुए कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है कैथोड से इमिट हो रही है वो बीम एनोड की ओर एसलेटेड होती है तो एसलेशन एनर्जी ओनली गेट बाय द एनोड पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिस्टर्ब इट्स एनर्जी इज राइट, ओनली पास सर्कुलेटेड कर देगा। तो वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो वी कैन राइट द टोटल वेलोसिटी, मैं वी नोट कर दूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिवाइड इन टू पार्ट, रेडियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल कनोट वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम कैथोड मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनोड पोटेंशियल एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर डिवाइड इन टू कंपोनेंट, रेडियल एंड टेंजेंशियल। तो वी कैन राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर वी फाइ स्क्वायर। रेडियल कंपोनेंट डी आर अपॉन डी टी, सब फुट क्या था, यह होता आर ओमेगा स्क्वायर माइनस द एंगुलर वेलोसिटी एंड टोटल वेलोसिटी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एंगुलर वेलोसिटी में और रेडियल वेलोसिटी में अपन टोटल वेलोसिटी कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉसें वी स्क्वायर की वैल्यू किससे निकाला है, एंगुलर वेलोसिटी से वी स्क्वायर की वैल्यू कि टोटल एनर्जी इज गेन या टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय द एनोड पोटेंशियल ई, लेट इज एनोड पोटेंशियल वी नोट, वी नोट इज द एनोड पोटेंशियल कि मैक्सिमम जो एसिलेशन पोटेंशियल कितना अप्लाइड किया गया है, वी नोट अप्लाइड किया गया है। तो वी इज इक्वल टू निकाल सकते हैं टू ई वी नोट अपॉन एम का अंडर रूट, देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वी इन दिस इक्वेशन, तो यहां आ जाएगा ई वी नॉट अपॉन एम इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर ओमेगा अपॉन स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय द गेट रिलेशन अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपन हॉल वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड वी की वैल्यू फाइंड करना था, वी की वैल्यू ओमेगा सी में है, वी नॉट एनोड पोटेंशियल ये है, दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहां पर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू ये रख रहा हूं, तो आ जाएगा टू ई वी नोट अपॉन एम इजकल टू डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वहां ओमेगा सी का स्क्वायर अपॉन फोर वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन वी गेट फॉर द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ए क्रिटिकल हॉल
और कट ऑफ वोल्टेज, कितना वोल्टेज फाइंड आउट करें, तो अपन चाहते हैं कि कैथोड से इमिट इलेक्ट्रॉन एनोड सरफेस पर पैलर हो जाना चाहिए, उसका रेडियल कंपोनेंट कंसिस्ट नहीं होना चाहिए ताकि नॉट स्टिक ऑन द एनोड, केवीटी से पास होना चाहिए वो। तो इसके लिए है कि शो शुड बी क्या होना चाहिए, एट आर बराबर बी, मतलब एनोड सरफेस द रेडियल वेलोसिटी जीरो, देन टू ई वी नोट अपॉन एम, वहां जीरो आ जाएगा। आर की जगह क्या रख दें अपन, बी, तो बी स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन फोर वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहां से जाए अपन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा सी स्क्वायर इजगल टू क्या हो गया, इधर ले आओ, एट ई वी नोट, ठीक है, अपॉन एम बी स्क्वायर। बी स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो ओमेगा सी वी एज्यूम ई बी नोट अपॉन एम का स्क्वायर इजकल टू एट वी नोट एम बी स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर। तो बी नोट की वैल्यू क्रिटिकल या मिनिमम वैल्यू, दिस इज द फॉर मिनिमम वैल्यू, कैन डिफाइंड द मिनिमम वैल्यू बिकॉज वी वांट टू डी आर अपॉन डी टी एट द एनोड सरफेस, इससे स्मॉल वैल्यू वेरिएशन भी ग्रेटर हो गई तो देन स्टिक ऑन द एनोड द इलेक्ट्रॉन, तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ बी है। तो बाय मीन्स बी नोट, बी नोट का मतलब है अपने पास एक स्टैटिक मैग्नेटिक वी जेड की तरफ लगा रखा है अपने परपेंडिकुलर, तो बी नोट मिनिमम कितना चाहिए, पहले एन रूट ले लो और फिर एम अपॉन ई अंडर रूट एट ई वी नोट एम बी स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास बी मिनिमम फॉर द फाइनाइट एनोड वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड शुड बी एट दिस वैल्यू फॉर द परफेक्ट ऑसिलेशन इन मैग्नेट्रॉन। ठीक है, दूसरा अपन कि होल वोल्टेज, होल कट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो और मैग्नेटिक फील्ड की भी नो, तो जस्ट रिवर्स सोल्व कर लेंगे कि फॉर द हल कट ऑफ वोल्टेज इन मैग्नेट्रॉन, इसी फॉर्मूले को अपन स्क्वायर कर दें, तो B नॉट का स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर एट E V नॉट अपॉन M B स्क्वायर वन माइनस A स्क्वायर V स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बाय सॉल्यूशन बाय दिस V नॉट इज इक्वल टू M B स्क्वायर B नोट स्क्वायर E स्क्वायर
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एट ई, तो ई की पावर कैंसिल कर दें, एम यहाँ पावर कैंसिल कर दें, ये अपने पास होल कट ऑफ मैग्नेट कट ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट हो गया फॉर द मैग्नेट्रो। न्यूमेरिकली जो प्रॉब्लम्स है वो भी यहीं से सोल्व आउट होगी कि हॉल कट ऑफ वोल्टेज फॉर मैग्नेट्रॉन और पैरामीटर कुछ दे देंगे इसके एनोड सरफेस रेडियस। तो यहां पर बी फाइंड आउट करने के लिए वी नोट एनोड वोल्टेज चाहिए, कैथोड सरफेस रेडियस चाहिए और एनोड रेडियस चाहिए, अपन और सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम रिवर्सली हॉल कट ऑफ वोल्टेज निकालना हो तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू गिवन होगी और एनोड कैथोड सरफेस रेडियस गिवन होगी। तीन न्यूमेरिकल डाटा स्टैटिकल गिवन हो तो अपन इस पैरामीटर्स को फॉर द सस्टेन ऑसिलेशन के लिए वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। सेकंड इन द मैग्नेट्रॉन एक क्वेश्चन आता है, हार्टी रिलेशन फॉर मैग्नेट्रॉन, हार्टी रिलेशन का मतलब होता है कि अपने पास यहां एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपन हॉल ऑफ वोल्टेज निकाल रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन हब कंडीशन पर की वेलोसिटी फाइंड आउट करना, मतलब मैग्नेट्रॉन के अंदर कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होके एनोड, कैथोड से इमिट होके एनोड की ओर एसिलेटेड होते हैं, तो दे गेट ए फाइनाइट वेलोसिटी, वो अपनी फाइनाइट वेलोसिटी गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। तो अपन उस एनर्जी को किसी पॉइंट या एनोड टू कैथोड सरफेस के बीच में किसी पॉइंट पर उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालें, अब वो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लिया अपन ने, लेकिन वो एक रेडियल पार्ट और कम जो अपने पास रेडियल पार्ट और एक टेंजेंशियल पार्ट दो में वो डिवाइड हो जाता है, तो अपन दोनों पार्टों के बारे में एक टोटल फाइनाइट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हार्टी रिलेशन रिलेस देखो मैग्नेट्रॉन में क्या होता है, एक कैथोड सरफेस होती है और एक एनोड सरफेस होती है, कैथोड कोई सिलेंड्रिकल वायर होता है और ये एनोड है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कैथोड टू एनोड इज द लेट डी डी कैथ, तो ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कैथोड सरफेस इज ए एच, इन दिस इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्ट, मतलब क्लाउडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज एग्जिस्ट या एक्सटेंडिंग, मतलब इस कैथोड के पास में थर्मली इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का एक क्लाउडिंग बन जाती है, तो एक्सटेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड टू द कैथोड इन ए फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉनों का एक क्लाउडिंग एक्सटेंडिंग होता है और उस डिस्टेंस को अपन एच है, तो ये हब सरफेस ये अपने पास इसका इलेक्ट्रॉन हब सरफेस कहलाती है, मतलब हब का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ डेंसिटी क्वांटिटीज प्रोवाइड बाय दैट इन दिस रीजन, तो मतलब यहां पर अपन इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउडिंग एक्सटेंडिंग होती है अराउंड टू द कैथोड और ये फाइनाइट डिस्टेंस तक होती है, उस हाइट को अपन हब डिस्टेंस या इस सरफेस को अपन हब सरफेस बोलते हैं। तो इस एच की वैल्यू अपन निकालना चाहते हैं, तो ये हब थिकनेस एस की वैल्यू, मतलब हब थिकनेस बोलते हैं इसको, तो अपन किस फेनोमेना से निकालें, देखो एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या अप्लाई होता है, इस पर पॉजिटिव होता है और इस पर क्या होता है नेगेटिव होता है, ये तो क्लियर है। एनोड टू कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एनोड एसिलेटेड होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड से हब सरफेस में जो हब थिकनेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की ओर क्या होंगे एसिलेटेड होंगे।
तो अपने यहां जो इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग हो रहे हैं, तो टुवर्ड टू एनोड एक्सीलरेशन है, बट देयर आर आल्सो बी प्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और बोथ आर क्रॉस में है, परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होगी क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। विदाउट डिफ्लेक्शन कोई इलेक्ट्रॉन यदि पास होता है, मतलब डिस्पर्जन, यहां क्लाउड हब क्यों बनता है, यहां इलेक्ट्रॉन की हबिंग सरफेस का अपन बात कर रहे हैं कि यहां एक्सटेंडिंग क्यों होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेटेड नहीं होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, यहां इस कैथोड सरफेस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉनों का एक एक्सेंडिंग क्लाउडिंग रीजन होता है जिसको अपन हब थिकनेस सरफेस बोलते हैं। तो वो हब थिकनेस या सरफेस को फाइंड करने के लिए अपन उन इलेक्ट्रॉन्स को चूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक्सीलरेटेड नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली मूविंग होते हैं। तो यूनिफॉर्मली मूविंग कौन सा इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से मूव है और कंडीशन यह है कि मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर ऑपोजिटिवली ईच अदर ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड सेम मैग्नीट्यूड। यदि किसी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल को क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से पास करें और कंडीशन कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिटिव हो, तो विदाउट डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्रॉस डायरेक्शन बोथ आर फील्ड, मतलब ई और बी के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जैसे अपन एनर्जी फिल्टर्स की बात करते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर की से अपन बात यहां करते हैं कि अपन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के पार्टिकल्स, सेम एनर्जी के पार्टिकल्स एनर्जी फिल्टर की बात करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है क्रॉस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यदि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल हो तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। तो अपन डेरिवेशन इसी हब थिकनेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द वाई डायरेक्शन बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अपन वी वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में, वहां क्या होगा, माइनस ई एक्स अपॉन बी जेड। और यदि ध्यान रखना ई एक्स हो तो ई वाई अपॉन बी जेड सर्किल टाइप में आ गए, तो यहां वाई एक्स जेड आ रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आता है। लेकिन क्लियर है मैग्नीट्यूड में कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इज इक्वल टू इन द क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ई अपॉन बी होता है, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक वेलोसिटी का रेशियो होता है, जिसे कैसे निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स ई वी बी, हाँ बोलता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ई ई, तो क्या होता है चार कैंसिल हो जाता है, तो वी इज इक्वल टू लिखा जाता है ई अपॉन बी। लेकिन कंपोनेंट डायरेक्शन में एक साइक्लिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ई वाई इज इक्वल टू माइनस ई एक्स अपॉन बी जेड, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं वी एक्स बराबर ई वाई अपॉन बी जेड। तो इसका मतलब अपने यहां पर चूज कर लिया कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग टू वाई डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग टू एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग टू जेड डायरेक्शन। देन वी कैन राइट द रिलेशन ई वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई एक्स अपॉन बी जेड। एक्स डायरेक्शन में अपने पोटेंशियल अप्लाइड कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं।
चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज नोन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को वन अपॉन डी जेड डी वी अपॉन डी एक्स लिखा जा सकता है। और यहां पर यदि वेलोसिटी को अपने मान लें कि वेलोसिटी इज ओनली गेट बाय द एनोड पोटेंशियल एक्सीलरेशन, नॉट अफेक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो वेलोसिटी है वो केवल और किसके द्वारा गेन की जाएगी, पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा तो केवल अपने एक डायरेक्शन सर्च कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड उसकी एनर्जी को इफेक्टेंस नहीं करेगा। तो बाय द एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम ई वाई स्क्वायर इजकल टू ई वी, वी इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां पर अपन डीवी अपॉन डी एक्स डायरेक्शन में नोट किए, तो ई स्क्वायर इजकल टू ई वी अपॉन एम का अंडर रूट। ये वैल्यू रखते हैं टू ई वी अपॉन एम का अंडर रूट वन अपॉन बी जेड डी वी अपॉन डी एक्स। इसको अपन डेल्टा वी, वी वाले पार्ट को एक तरफ ले जाते हैं, डी एक्स को इधर ले आते हैं, टू ई अपॉन एम का अंडर रूट और बी जेड भी इधर ले हैं, और डी एक्स इजकल टू डी वी अपॉन अंडर रूट। एक्स के साथ में पोटेंशियल वेरीज होता है इन द हब रीजन। तो टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ आर साइड, दोनों तरफ अपने इंटीग्रेशन कर लें, जीरो से वी तक, मान लो कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है जीरो से वी तक, डिस्टेंस कहां से कहां तक चेंज हो रही है, कोई फाइनाइट डिस्टेंस मान लो एक्स है या एच है, अपन हैब तक निकालना चाहते हैं, तो अपने पास यहां वैल्यू एक्स के टर्म में आ जाएगी। तो पोटेंशियल अपन ऑन द हब सरफेस जीरो से एच इसका रेडिएशन कर लें, और हब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अपन फाइंड कर सकते हैं। टेकिंग द इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो एक साइड में तो एक्स, पहले मैं इसका लेफ्ट साइड में ये ले लेता हूं, वन अपॉन अंडर रूट वी, वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, तो मतलब क्या हुआ माइनस हाफ वन बाई टू टू अंडर रूट एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा, इसको अपन फॉर्मूले को यूज करें, टू अंडर रूट वी इजकल टू एस साइड में बी जेड टू ए अपॉन अंडर रूट कॉस इज एक्स। तो मींस स्क्वायर टेकिंग द स्क्वायर बोथ आर साइड, तो फोर, तो मतलब वी स्क्वायर इजकल टू बी जेड अपॉन फोर अंडर रूट, सॉरी ये तो कैंस स्क्वायर हो जाएगा, तो बजाएगा टू ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर, तो बाय मींस वी इजकल टू अंडर रूट बी जेड ई अपॉन टू एम एक्स। तो एट हब सरफेस
पोटेंशियल एट एक्स बराबर एच, तो वी एच ऐसे फॉर्मूल कर दें तो यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वी एच सरफेस के ऊपर अंडर रूट बी जेड ई अपॉन टू एम एच। मतलब अपने पास कैथोड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग रीजन सरफेस है, जहां इलेक्ट्रॉन्स का एक्सटेंडिंग होती है, उस रीजन का पोटेंशियल ये आ गया। इसके आउटसाइड फ्रॉम एच टू डी माइनस एच जो रीजन है इज द फ्री स्पेस रीजन है। मतलब वो मान लें इलेक्ट्रॉन का एक्सटेंडिंग है ड्यू टू द अप्लाइड फील्ड, केवल फाइनाइट डिस्टेंस तक रहता है, बाद में अपने पास क्या रहता है एक फ्री स्पेस एक्सटेंड हो जाता है एनोड टू हब सरफेस। तो यहां एनोड टू हब सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सटेंडिंग रीजन, मतलब यहां पर अपने पास क्या होती है साइक्लोट्रॉन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होके एनर्जी को रिटेंट कैविटी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो इस हब सरफेस में कैसे निकालें फिर पोटेंशियल, तो देखो पोटेंशियल निकाल लिया तो ई एस भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स में। तो क्या करें अपन डिफ्रेंशिएशन कर लें किसका, वी का अंडर रूट तो एक्स स्क्वायर में आएगा, सॉरी ये केवल वी होगा गलत, अपन तो वी वी की वैल्यू निकाल रहे हैं, अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है, तो अपने पास ये आएगा वी की वैल्यू एच स्क्वायर टर्म में। तो यहाँ ई एच इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी एच अपॉन डेल एच, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन कर लें एच के रेस्पेक्ट में तो क्या जाएगा टू एच, तो बी जेड ई अपॉन एम एच, ये हब सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। आफ्टर दिस डिस्टेंस द फ्री स्पेस इज जनरेट इन द डिस्टेंस डी माइनस एच, पर यहां सरफेस का एच डिस्टेंस तक था, उसके बाद में टोटल डिस्टेंस अपना एनो टू कैथोड डी बानी है, तो डी माइनस एच स्पेस इज द फ्री स्पेस, ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सटेंडिंग इसी रीजन में रहेगी और वहां उसको डिस्टेंस को अपन हब सरफेस और हब सरफेस के अंदर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन ने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर। तो देखिए अपन यहां पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कैथोड सरफेस और एनोड सरफेस में जो आउटर एनोड सरफेस इज ग्राउंडेड है और इंटरनली जो कैथोड सरफेस है फाइनाइट पोटेंशियल पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन के लिए पोटेंशियल ऑन द कैथोड शुड बी नेगेटिव। यहां से अपने दो सरफेस अपन मैं लीनियरली ले लूं कि ये कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव, यहां कैथोड पर कोई वी ए सरफेस एनोड सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इसकी, जैसे अपने पास ये मान लो एक रोड है ये, तो इसकी रेडियस अपन ए मानते हैं, तो वहां पोटेंशियल कितना है वी ए बट इज अ नेगेटिव, और सेकंड कैथोड सरफेस इज ग्राउंडेड एनोड, आउटर सरफेस एनोड होती है जहां रिटर्न कैविटीज एंड सरफेस के ऊपर अरेंज होती है, उस सरफेस को अपन ग्राउंड कर दें और इनर कैथोड सरफेस पर एक फाइनाइट वोल्टेज वी ए अप्लाइड है, तो एक हब सरफेस के बाद में फाइनाइट डिस्टेंस को अपन एस डिस्टेंस तक, तो अपन इलेक्ट्रॉन का क्लाउडिंग या एक्सटेंडिंग मानते हैं, लेकिन डी माइनस एस जो डिस्टेंस है वहां पर फ्री स्पेस जनरेट होता है, तो उस फ्री स्पेस में फ्री स्पेस के इस फेनोमेना के बेसिस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डी की वो डिस्टेंस एनोड वोल्टेज को अपन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं जो हब सरफेस के ऊपर है, तो हब सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अपने क्या एज्यूम कर लिया कि कैथोड सरफेस पर एक वोल्टेज फाइनाइट है वी ए, कितना वी ए, और ऑन द कैथोड इज जीरो एट आर बराबर बी, और ये एट
आर बराबर ए। मान लें कि कैथोड सरफेस पर वोल्टेज पोटेंशियल है वी ए और एनोड सरफेस पर पोटेंशियल है आर बराबर बी पर जीरो, और यहां फाइनाइट हब रीजन जो अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग बन रहा है, जो स्पेसिंग है वो डी माइनस एच स्पेस है, फ्री स्पेस। तो अपन इस फॉर्मूले को सिलेंड्रिकल इक्वेशन के अंदर लाप्लास इक्वेशन के द्वारा यहां पोटेंशियल फाइंड आउट किया जा सकता है। हब सरफेस तक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, लेकिन इस रीजन में पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए ये फ्री स्पेस है, तो टेक द सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो, इट्स रिप्रेजेंट इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट 1/r² डेल डेल अपॉन आर आर डेल वी अपॉन डेल आर, फर्स्ट रेडियल कंपोनेंट, सेकेंड 1/r² एस वन एस, जो अपने पास डेल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पर आप लिख सकते हो, डेल स्क्वायर वी डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस फ्री स्पेस में पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, लाप्लास इक्वेशन यूज कर रहे हैं, और ये लाप्लास इक्वेशन का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहां पर जो कैथोड एनोड सरफेस है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो अपने फाइनाइट डिस्टेंस एस तक तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी कैथोड सरफेस से, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सटेंडिंग रहती है, चार्ज फील्ड रीजन है, वहां फ्री स्पेस नहीं था। अब डी माइनस एस डिस्टेंस फ्री स्पेस है, तो अपन पोटेंशियल इज एग्जिस्ट ओनली इन रेडियल डायरेक्शन या डिपेंड ऑन द रेडियल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड जेड, मतलब सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है, तो अपने पास v इज नॉट फंक्शन ऑफ फाई एंड जेड, देन दीज आर टर्म्स इज टेस्ट टू जीरो ओनली रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियल कंपोनेंट के बेसिस पर अपन इसको लिख सकते हैं r डेल डेल r इक्वल टू जीरो, 1/r² को जीरो में डिवाइड कर दिया, पास एक फाइनाइट इक्वेशन है। तो अपन इस रेडियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए जो पीछे अपने पास इस इक्वेशन को सोल्व करके से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर डी बी अपॉन डी आर इक्वल टू कोई सी वन, और फिर डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू सी वन अपॉन आर, फिर अगेन टेकिंग द इंटीग्रेशन देन वी इक्वल टू सी वन एल एन आर प्लस सी टू। अब इस सी वन एंड सी टू वैल्यूज आर फाइंड बाय कैसे निकाल सकते हैं अपन, कि एट एनोड आर बराबर बी इक्वल टू जीरो एंड कैथोड आर बराबर एच हब सरफेस पर पोटेंशियल फाइनाइट वैल्यू गिवन है, तो इसके द्वारा अपन सी वन सी टू वैल्यू निकाल के किसी आर डिस्टेंस पर, मतलब इन दोनों के बीच में जो अपने पास एक फ्री स्पेस पॉइंट है, वहां पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास यदि एनोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है और अपने पास एक हार्टी रिलेशन जो गिवन है, इस इक्वेशन को अपन दो कंडीशन, मतलब यहां पर C1 और C2 की वैल्यू अपन बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपन यहां पर अपने पास एक इक्वेशन के रूप में है कि एनोड पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन करो, एनोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मतलब कैथोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल तो जीरो टैग कर रहे हैं और कैथोड पोटेंशियल की वैल्यू एक फाइनाइट मोड ऑपरेशन में क्या होनी चाहिए, जो अपने पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूव दैट बाय द हार्टी रिलेशन द कैथोड पोटेंशियल एट सरफेस वी ए इज इक्वल टू ओमेगा एम एन
जो अपने पास इक्वेशन के रूप में मैं सोल्व करूंगा, ये तो अपने पास एक एनालिसिस था हर्टीज रिलेशन का। तो हर्टीज रिलेशन को अपन यूज करते हुए एक एनोड के ऊपर पोटेंशियल का, सॉरी कैथोड के ऊपर, कैथोड सरफेस पर वी ए, या एनोड पोटेंशियल को जीरो ले रहे हैं, कैथोड पोटेंशियल को फाइनाइट वैल्यू ले रहे हैं, तो वो अपन कैथोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर द स्पेशियल मोड ऑफ मैग्नेटोन, जो पाई मोड, मतलब एक फाइनाइट सर्किल ऑसिलेशन के लिए, मतलब कई मोड में वर्क करता है, मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज होना मोड जंपिंग कहलाता है। जैसे अपन कोई मैग्नेट्रॉन में मोड जंपिंग का मीनिंग क्या होता है, यदि उसके जो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है वो अब्रप्टली चेंज हो जाती है, दिस नॉट द मोड जंपिंग। तो ये मोड जंपिंग ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी चेंज होने का मतलब अपन एक एप्पल डायग्राम से भी नोट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां इलेक्ट्रॉन की बंचिंग पॉजिटिव रीजन में, जैसे एक प्लस ये है, एक प्लस ये है, दूसरा पॉजिटिव रीजन प्लस इधर और आएगा, तो मान लो कि बंचिंग यहां पर हो रही है या बंचिंग यहां पर हो रही है या पॉजिटिव, रिटार्डेड पोटेंशियल की कई मल्टीपल पोजिशंस आती है, जहां अपन एक फाइनाइट पेज को रिलेशन होता है जिसको अपन क्या कह सकते हैं, मोड, डिफरेंट मोड ऑपरेशंस कह सकते हैं। तो एक स्पेशली मोड में, जो एम एन के टर्म में मोड का अपन कोई इंटीजर में नाम दे देंगे, तो स्पेशली मोड में अपने पास मैग्नेट्रॉन में कैथोड सरफेस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो गिविन होता है वो ड्राइव करना होता है एंड यूजिंग द हार्टी रिलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, जिसको अपन को सोल्व करना है। ए मल्टी केविटी मैग्नेट्रॉन इज रिक्वायर्ड द एनोड वोल्टेज वी ए टू ऑब्टेन सिंक्रोनिज्म बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एसी फील्ड। यहां पर अपन एक वोल्टेज, एनोड वोल्टेज की डायरेक्शन क्वेश्चन में मांगा है कि अपने पास एनोड पर कितना वोल्टेज अप्लाइड करें कि एसिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या एसिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन बीम है फ्रॉम द कैथोड टू एनोड और एसी फील्ड जनरेट ऑन द केविटीज आर सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म का मतलब, मैं फिर कि यहां पर अपने पास एक एक केविटी की बात कर रहा हूं, एक केविटी है यहां पर, यहां पर क्या लगा रखा है, एसी फील्ड लगा रखा है जिसका साइनिंग ये है। यहां अपने पास कैथोड है और ये एनोड सरफेस है, तो अपन चाहते हैं कि यहां से इमिट इलेक्ट्रॉन यहां क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा किससे, अप्लाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी एसी फील्ड से, और यहां से इलेक्ट्रॉनों की जो बंचिंग है वो कैसे होगी, वो अपने चार टाइप के इलेक्ट्रॉन्स ए बी सी डी, जिसमें बी अनफेवरेबल होता है, हीटिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले स्लोली इलेक्ट्रॉन को रीच करके बंच बना लेता है। तो मतलब यहां से इनिशियली की एक इलेक्ट्रॉन जो हीट इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन जाता है, पहले मान लो कि ए इलेक्ट्रॉन गया, फिर बी इलेक्ट्रॉन, एक बी इलेक्ट्रॉन जाता है, एक बाद में ए बी इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, हीट इफेक्ट करता है, फिर एक सी इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर एक डी इलेक्ट्रॉन और इमिट होता है, वो तीनों इलेक्ट्रॉन बंच बना लेते हैं। इस टाइप की अपने पास क्या होता है, उसके अंदर एक साइक्लिक टाइम इंटरवल जिसके बेसिस पर अपन हीट, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, हीट इफेक्ट से इमिट इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी होती है कि पहले से जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रीच कर लेता है, बंच बना लेता है। लेकिन वो बंच इलेक्ट्रॉन इस केविटी में जब रीच हो तो सिंक्रोनिज्म कंडीशन का मतलब है कि यहां पर रिटार्डेड पोटेंशियल होना चाहिए ताकि उसकी एसिलेटेड एनर्जी को क्या कर ली जाए, गेन कर ली जाए।
तो रिटार्डेड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी यहां नेगेटिव होना चाहिए, यहां पॉजिटिव होना चाहिए यदि इस साइड से इंजेक्ट कर रहा है, पर नेगेटिव पोटेंशियल इज द रिटार्डेड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन बीम। तो वो जो बंस्ड इलेक्ट्रॉन है कैथोड से इमिट हो रही है, जो इंटरनली अपन बंस प्रोसेस हो रही है और एसिलेटेड भी हो रही है, सर्किली कर्व किसके कारण हो रहा है, एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। तो वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में जब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास बंस प्रोसेस में केविटी के फील्ड से इंटर करता है, तो उसमें सिंक्रोनिज्म होने का मतलब है कि वो परफेक्टली पॉजिटिव हाफ सर्किल, मतलब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, मतलब इसके रिटार्डेड पोटेंशियल की कंडीशन पर रीच हो, ताकि उसकी एसिलेटेड एनर्जी को डीएसिलेशन के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड पर ट्रांसफर कर दी जाए। इसको अपन कहते हैं सिंक्रोनिज्म है। तो यहां पर क्वेश्चन यह है कि मैग्नेट्रॉन में मल्टी केविटी मैग्नेट्रॉन है और उसमें क्लाउड इलेक्ट्रॉन और एसी फील्ड में सिंक्रोनिज्म करने के लिए एनोड पोटेंशियल की वैल्यू फोर या बाय हार्टी रिलेशन इज गिवन बाय, क्वेश्चन है मल्टी केविटी मैग्नेट्रॉन में क्लाउड इलेक्ट्रॉन और एसी फील्ड में सिंक्रोनिज्म के लिए एनोड पोटेंशियल की वैल्यू वी ए इज इक्वल टू ओमेगा एम अपॉन स्मॉल एन कैपिटल एम प्लस एम। यहां जो एम है कोई एम एन इंटीजर्स है, जो मोड डिफरेंट मोड ऑफ एसोलेशन होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी माइनस ओमेगा ओमेगा एन अपॉन एन 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 प्लस ओमेगा। ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन है कि एनोड पोटेंशियल इतना होना चाहिए जहां एम एन मोड इंटीजर्स हैं, कोई सस्टेन ऑसिलेशन के लिए जो इंटीजर फाई ऑफ जो फाई फेज शिफ्टिंग सिंक्रोनिज्म की होती है उसके लिए एम एन को इंटीजर फाइंड आउट किए गए हैं। तो अब इसका डेरिवेशन अपन को कंप्लीट करना है यूजिंग द हार्टी रिलेशन। इसमें यह भी गिवन होता है कि हार्टी रिलेशन, लेकिन अपन डेरिवेशन हार्टी रिलेशन के ऑर्डर में करेंगे। ये प्रूफ करना है अपन को मैग्नेट्रॉन के लिए मल्टी केविटी मैग्नेट्रॉन की सिंक्रोनिज्म कंडीशन के लिए। तो पहले अपनी स्टार्टिंग कहां से करें कि जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड से एनोड की ओर एसिलेटेड हो रहा है, वो क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उस इलेक्ट्रॉन पर तीन टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं। क्यों? क्यों क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर रोटेट होने से एक सेंट्रोफ्यूगल स्यूडो फोर्स और अप्लाइड हो जाता है। तो उसका इक्वेशन ऑफ द स्टेबिलिटी इक्वेशन अपन निकालें, जो बैलेंस कंडीशन होती है कि अपने पास जो सेंटर फ्यूगल फोर्स है इज प्रोवाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों का जो एक सिंपली इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट है वो उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए एक फाइनाइट कंडीशन में होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे कि इन द मैग्नेट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड मूव अंडर द क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट देन द फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट देर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेज आर बैलेंस ईच अदर, थ्री फोर्सेज आर बैलेंस टू ईच अदर, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंटर फ्यूगल फोर्स। सेंटर फ्यूगल फोर्स इज आउटसाइड टू द पाथ लगता है, मतलब रेडियल आउटसाइड में लगेगा वो, जबकि इस साइड में प्रेशर रोटेशन इस साइड में हो रहा है तो क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट ऑल्सो बी द आउटसाइड, तो ई ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आ गया, ठीक है। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स इनको बैलेंस करेगा क्यू वी बी,
इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, जो अपने पास सेंट्रीफ्यूगल है वो भी रेडियल आउटसाइड है क्योंकि कैथोड टू एनोड, एनोड आउटसाइड में है, और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों फोर्सेज को इस टाइप से एडजस्ट करेगा कि वो सर्कुलर मोशन गेट करें। तो इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वन, एक इक्वेशन तो कंडीशन अपने पास ही आ गई, ये तो लिख सकते हैं इन द मैग्नेट्रॉन। ठीक है, सिलेंडर टू कैथोड सरफेस, मतलब अब हब सरफेस से एनोड सरफेस के बीच में एक फ्री स्पेस है। ठीक है, तो अपन एनोड पोटेंशियल गिवन करने के लिए, हब सरफेस तक तो अपन को पोटेंशियल गिवन है बाय द हार्टी रिलेशन, हब सरफेस से मतलब एनोड से ए एस वैल्यू जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग एक्सटेंडिंग होती है और बाद में यहां एनोड है, ये डिस्टेंस डी माइनस एच है, टोटल डी डिस्टेंस मानी जा रही है कैथोड सरफेस टू एनोड सरफेस की भी। तो ये अपने पास फ्री स्पेस है, तो इसमें पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए अपन लाप्लास इक्वेशन का, जो पहले जस्ट पॉइंट अपने हार्टी रिलेशन की बात कर रहे थे कि यूजिंग द लाप्लास इक्वेशन इन द हब स्पेस एंड एनोड स्पेस बिटवीन द हब सरफेस टू एनोड सरफेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर डेल वी अपॉन डेल आर। दूसरे पार्ट भी आते हैं अपने पास, एक फाइव स्क्वायर पार्ट का डेल स्क्वायर वी डेल फाइव स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बट पोटेंशियल इज ओनली फंक्शन ऑफ रेडियल वेरिएबल वी आर, देन लास्ट टू टर्म्स रिड्यूस टू जीरो इंडिपेंडेंट वी ऑफ फाइ एंड जेट। तो मतलब सिंपली इक्वेशन इज गिवन, आर स्क्वायर जीरो में ले जाए तो डेल अपॉन डेल आर डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हर्टी रिलेशन में मैं लास्ट में यही चल रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं ले लिया कि अपन एनोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्वेश्चन में ये आता, तो इसी को अपन सोल्व आउट करेंगे। यहाँ हब थिकनेस तक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन फाइंड आउट कर चुके थे हार्टी रिलेशन से। इसको मैं इक्वेशन वन जो है बाद में होल्ड करता हूं, इसमें वैल्यू रखूंगा। एक बार इसको इक्वेशन टू को सॉल्व कर लेते हैं, टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन टू क्या जाएगा, आर डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू सी वन, अगेन टेकिंग द इंटीग्रेशन वी इज इक्वल टू सी वन एल एन आर प्लस सी टू, मतलब वन अपॉन आर जाएगा, वन अपॉन आर का लॉग वन अपॉन एक्स लॉग एक्स ले ले अपॉन सी टू। अब बाउंड्री कंडीशंस, एट एनोड आर बराबर बी वी इज इक्वल टू जीरो, एट कैथोड या कैथोड के ऊपर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मानी जा रही है वी वी ए, आर बराबर ए पर वी इज इक्वल टू वी ए, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड टू एनोड पर। तो इन दोनों से अपन वैल्यू कंडीशन से देखो, पहले अपन ये कंडीशन अप्लाई करते हैं आर बराबर बी, तो जीरो सी वन एल एन बी प्लस सी टू,
तो बाय मीन्स सी टू इज इक्वल टू माइनस सी वन एल एन वी. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी टू एंड पोटेंशियल वी इज इक्वल टू सी वन कॉमन आ जाएगा एल एन एन बार एल एन बी. चाहे लॉग ए अपॉन लॉग बी से लिख सकते हो इसको एल एन आर अपॉन बी वी आ. दूसरा यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन ऑन कैथोड सरफेस. हेट कैथोड सरफेस आर इज इक्वल टू ए वी इज इक्वल टू वी ए. तो क्या जाएगा वी ए इज इक्वल टू सी वन एल एन ए अपॉन वी. तो बाय मीन्स सी वन इज इक्वल टू वी ए अपॉन एल एन ए अपॉन. C1 की वैल्यू सेकंड बाउंड्री कंडीशन से निकाल ली. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू C1 इन तो V इज इक्वल टू आ जाएगा वी ए एल एन ए अपॉन बी और एल एन आर अपॉन बी. ठीक है, एट डिस्टेंस R के ऊपर अपन पोटेंशियल का एक्सप्रेंशन इस टर्म से ले सकते हैं. तो अपन वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर. रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट वैल्यू अपन ई आर की वैल्यू चाहते हैं, वहां जो अपन एक स्टेबल बैलेंस इक्वेशन था उसमें रखने के लिए. तो ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर. आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या जाएगा माइनस. देखो लॉग ए लॉग वी ए का तो सेम होगा, लॉग का वन अपॉन एक्स और वरुण वो बी ए भी आ जाएगा माइनस. तो माइनस वी ए एल एन ए अपॉन बी. लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है और यहां पर जो बी है वन अपॉन बी भी जाएगा. तो वन अपॉन बी और नीचे आ जाएगा आर अपॉन बी. तो क्या हो जाएगा बी से बी कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस वी ए एल एन ए अपॉन बी इंटू आर. वन अपॉन आर आएगा, वन अपॉन आर यहां लिख. ठीक है, डायरेक्शन नेगेटिव बता रहा है कि डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एनोड पोटेंशियल टू कैथोड सरफेस की ओर. इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो अपन इक्वेशन स्टेबिलिटी इक्वेशन में इसकी ईआर की वैल्यू रखें. इक्वेशन वन में एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस E, तो अपने पास है ही. तो वहां पर ये जो माइनस है वो एडजस्ट कहां होगा, वहां चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है वो भी नेगेटिव है. तो अपन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नेगेटिव को और इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव को दोनों एक ही वैल्यू रखेंगे. कि वहां पर यदि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी तो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है, तो दोनों वापस क्या जाएंगे पॉजिटिव चार्ज ई वी ए अपॉन आर एल ए अपॉन बी. ठीक है, इज इक्वल टू ई वी बी. एम का डिवाइड दे दें और एक इसको स्पेशली मॉड स्पेशली फॉर्म में चेंज कर लें. कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अपन यहां पर पहले इसने एम का डिवाइड देंगे वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू